ये अटेंडेंस देख रहे हैं जी सारे अपने सिर्फ इसमें। अच्छा आपका नाम हसान है या हसन है? हसन है सर। हसान ने सिर्फ प्रेजेंट लगाई है, अदरवाइज ये देख रहे हैं सारे आप लोगों के सामने, आप लोगों की यस सर। सही हो गया। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक बड़े ही बुनियादी और बड़े ही फंडामेंटल किस्म के पैराडाइम की बात करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर का बहुत ज्यादा इन्हिसार या डिपेंडेंसी है। कि ऊप में अगर इस टॉपिक को डिस्कस ना किया जाए तो वो ऊप नहीं है जिसमें ये टॉपिक नहीं है। ये लाजमो मलजूम चीज है, इसके बगैर मतलब ये समझने के वो अगर हाथी के चार पांव हैं तो उन चार पांव में से एक पांव जो है ना उसका मिसिंग है, जिसका नाम है इनहेरिटेंस। अभी तक हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली हैं। हमने सी प्लस प्लस की मतलब कोर्स तो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, पर हम विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से ये दोनों मिक्स एंड मैच और पैरेलल लेके चल रहे हैं, साथ साथ लेके चल रहे हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऊप का कंसेप्ट नहीं है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग सी प्लस प्लस का कंसेप्ट है। मतलब अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस में देखें तो वो आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती कि आप उनमें जो बने बनाए हैं ना ऑपरेटर आप बस उनको यूज कर सकते हैं, पर सी प्लस प्लस थोड़ा सा फॉरवर्ड जाके आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप अ लिटिल बिट उसका ना मीनिंग हल्का फुल्का सा चेंज कर सकते हैं। उस ऑपरेटर का मीनिंग मतलब बेसिक मीनिंग तो नहीं उसका चेंज होता, बस उसमें थोड़ी सी इनहेंसमेंट हो जाती है। जैसे हमने देखा कि एक वेक्टर को जब आपने प्लस करना है तो मैट्रिक्स को सॉरी जब आपने प्लस करना है तो कैसे करना, तो इनहेरिटेंस का टॉपिक पढ़ के हम कोशिश करेंगे, हम फिर वही मैट्रिक्स वाली मिसाल पे जाएं और वहां पे जाके हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा उसको कोड को एक्सटेंड करें, हम मल्टीप्लीकेशन की तरफ जाएं, थोड़ा कोड की कम्प्लेक्सिटी को समझें। तो इनहेरिटेंस कोई बताएगा जी इसका मतलब क्या है? कोई किसी के जेहन में इसके मुताबिक कोई मतलब हो, कोई क्रिप्टोन वर्ड हो, व्हाट इज एन इनहेरिटेंस? अच्छा बोलो तो सही। विरासत हाँ जी विरासत विरसा इसको मतलब उर्दू में यही समझा जाता है इनहेरिटेंस। विरासत या समझ लें कि कुछ ऐसी चीजें जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है। अच्छा अब रियल वर्ल्ड में तो हम देखते हैं कि जी हमारे पास क्या चीज है कि जी एक मतलब शख्स होता है, उस शख्स के पास कोई उसकी प्रॉपर्टी है, कुछ भी कुछ प्रॉपर्टी, या उसने कोई घर बनाया हुआ है, कोई गाड़ी है, या कोई उसका बैंक बैलेंस है, या उसका कोई बिजनेस है। ये ब्लॉक वन उसकी इस पर्सन की प्रॉपर्टी को शो करवा रहा है, मतलब ये एक पर्सन है, इसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि ये है ब्लॉक वन। अब इसके साथ ही इसका कोई बेटा है या कोई ऐसा कोई भी ऐसा शख्स है जो कि इसका करीब है, कोई रिश्तेदार है। अब इसके बाद ये जो शख्स है ये कहीं चला जाता है या फोत हो जाता है कहीं पे भी, इसकी प्रॉपर्टी अल्टीमेटली इसके किसी मतलब जो रिलेटिव है, जो मतलब ब्लड रिलेशन में है, जो करीब तरीन है, उसको जो है ना वो ट्रांसफर हो जाती है। ये प्रॉपर्टी पर्सन ए की है मतलब इस शख्स की, और ये वो प्रॉपर्टी है जो अपनी इसकी। तो पता क्या चला, हमारे पास ऐसा होता है कि एक चीज को दूसरी चीज की तरफ मुंतकिल कर देना, ये ऊप में कंसेप्ट है इनहेरिटेंस। अगर मैं इसको थोड़ा सा मतलब टेक्निकल टर्म में बात करूं तो एक क्लास की प्रॉपर्टी जब दूसरी क्लास में इनहेरिट हो जाती है, या एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में आ जाती है, इट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब थोड़ा सा हम टेक्निकल वे में बात करेंगे, सबसे पहले इसकी मतलब डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं कि डेफिनेशन में क्या क्या बुनियादी चीजें इसकी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कह रहा है कि मैकेनिज्म है
जिसमें एक ऑब्जेक्ट अपने तमाम मतलब पेरेंट की जो खसूसियात है ना पेरेंट क्लास की, वो सारी इनहेरिट कर लेता है, तमाम प्रॉपर्टीज। तमाम प्रॉपर्टीज को अभी थोड़ा सा मैं डिफाइन करूंगा कि तमाम में से कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो नहीं कर पाता, उसके अलावा बाकी सारी प्रॉपर्टीज वो इनहेरिट कर लेता। उसके बाद वो कह रहा था मेक इट पॉसिबल टू बिल्ड अ न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि एक बनी हुई क्लास से न्यू क्लासेस बनाता है, मतलब कोड की रीयूजबिलिटी आती है। फिर वो कह रहा है रीयूज द मेथड एंड डाटा फ्रॉम द क्लास इन एन अदर, जहां मेथड लिखा हुआ है इससे मुराद आप फंक्शन ले लें, कि ये फंक्शन की रीयूजबिलिटी और डाटा से मुराद उसके जो वेरिएबल्स हैं उनको रीयूज करता है किसी और क्लास में। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है, इस पर्टिकुलर रिलेशन को इज आर रिलेशनशिप कहते हैं। अगर आपके पास एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज आर रिलेशनशिप, तो व्हाट इज आर रिलेशनशिप, मतलब ये इज आर रिलेशनशिप एक पूरा फ्रेज है, व्हाट इज एन इज आर रिलेशनशिप। तो उसमें आप बताएंगे कि जी जो हमारे पास पेरेंट चाइल्ड मतलब पेरेंट क्लास और सब क्लास है ना रिलेशन का, उसको हम इज आर रिलेशनशिप कहते हैं। इसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, मतलब ये इंटायरली पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रहा हूँ, वैसे मैं आपको बता दूंगा कि सी प्लस प्लस में इसको क्या कहता है, क्या कहते हैं। एक ही क्लास के तीन नाम है, उसको सब क्लास भी कहते हैं, चाइल्ड क्लास भी कहते हैं और डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं। और जो मतलब क्लास जो पेरेंट क्लास है उसको क्या कहते हैं, उसको सुपर क्लास भी कहते हैं, सब का उलट सुपर, चाइल्ड का उलट पेरेंट क्लास भी कहते हैं और बेस क्लास भी कहते हैं। C++ में इसको हम जब पढ़ते हैं तो C++ में हमारे पास बेस क्लास होती है और डिराइव्ड क्लास होती है, मतलब हमारे पास यहाँ क्लासेस की कंपोजिशन होगी, क्लासेस का मजमुआ होगा, कि एक क्लास पेरेंट क्लास होगी, एक जो बाकी क्लास है वो चाइल्ड होगी, मल्टीपल पेरेंट भी हो सकते हैं, मल्टीपल चाइल्ड भी हो सकते हैं। ये हमारी नेक्स्ट की बातें हैं, अभी फिल वक्त के लिए आपको समझने के लिए बस यही है कि आपके पास दो तरह की क्लासेस होंगी, एक आपके पास बेस क्लास होगी जिसको पेरेंट क्लास बोलते हैं, एक आपके पास डिराइव्ड क्लास होगी जो उस बेस क्लास से डिराइव्ड होगी। तो बेस क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सारी डिराइव्ड क्लास में आ जाएंगी। अच्छा, अब जरा देखें जी, इसमें हम पास जो मतलब सिंटैक्टिकली कुछ डेटा यूज होता है वो ये सिंबल है, मतलब ये कॉलन वाला सिंबल है जिसके जरिए हम डेटा को इनहेरिट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। इस कोड की तरफ जाने से पहले तीन चीजें जरा समझ लें जी। हमारे पास तीन किस्म के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर डेटा को एक्सेस करने वाले रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। अगर किसी ने लिखना है तो लिख ले, आई रिपीट, एक्सेस स्पेसिफायर्स डेटा को एक्सेस करने के लिए रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। वो क्या क्या है जी? तीन ही है, एक हमारे पास पब्लिक है, एक हमारे पास प्राइवेट है और एक हमारे पास प्रोटेक्टेड है। पब्लिक पे भी हमने बात की हुई है, प्राइवेट पे भी हमने बात की हुई है, प्रोटेक्टेड पे आज हमने बात करनी है कि प्रोटेक्टेड क्या होता है। कोई बताएगा जी पब्लिक रिजर्व क्यों यूज करते हैं हम? ताकि सजी उसे क्लास से बाहर भी हम एक्सेस कर सके, कहीं पे भी उसको एक्सेस किया जा सके। और प्राइवेट क्यों यूज करते हैं? ताकि सिर्फ जिस क्लास में यूज किया है ना उसी में एक्सेस कर सके। विद इन अ क्लास ही बस वो डेटा रहेगा, क्लास इससे बाहर नहीं जा सकता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक कांसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं डेटा हाइडिंग। वो डेटा हाइडिंग याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि डेटा हाइडिंग क्या होती है, तो वो डेटा हाइडिंग इन तीन लफ्जों के अंदर ही डेटा हाइडिंग है। मतलब आप डेटा को किस लेवल पे हाइड कर रहे हैं। पब्लिक का मतलब है कि आप डेटा को बिल्कुल हाइड नहीं कर रहे। प्राइवेट का मतलब है कि आपने डेटा को सिर्फ विद इन अ क्लास हाइड कर दिया। प्रोटेक्टेड का मतलब है कि यहाँ प्रोटेक्टेड तब यूज होता है जब आपके पास इनहेरिटेंस हो। इनहेरिटेंस नहीं है तो प्रोटेक्टेड को यूज करने का कोई मतलब नहीं है। इनहेरिटेंस होगी तो प्रोटेक्टेड का ये मतलब होगा कि यह सिर्फ पेरेंट चाइल्ड क्लासेस में ही एक्सेस हो सकता है, इसके बाहर नहीं हो सकता। मतलब जिनका रिलेशनशिप आपस में क्लासेस में है वो सिर्फ डाटा शेयर कर सकती है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल इसमें समझना चाहें तो आप लोगों के पास अगर आप देखें कि जी एक तो वाटर कूलर आपने मतलब वो जो स्टील का होता है बड़ा सा, वो आपने समझ लें बाहर लगा दिया। अब घर के बाहर लगाने से होता क्या है, वो कूलर वहां से कोई नहीं लेके जा सकता।
पर उसको इस्तेमाल सारे कर सकते हैं, मतलब कोई भी जो गली से गुजर रहा है, कोई सड़क से गुजर रहा है, कोई भी मुसाफिर या कोई भी बंदा जो है ना शख्स, वो वहां से वो पानी पी सकता है। ये है हमारे पास पब्लिक की एग्जाम्पल। प्राइवेट की ये एग्जाम्पल है कि आपने वो वाटर कूलर अपने चार दीवारी के अंदर लगा लिया, अपने घर के अंदर लगा लिया, अब उसको सिर्फ घर वाले ही यूज कर सकते हैं, घर वालों के अलावा कोई भी यूज नहीं कर सकता, अनलेस के कोई मतलब वहां घर में कोई आ जाए, मतलब वो क्लास के मेंबर हो गया ना, घर के ही मेंबर हो गया जब तक वो घर में है। प्रोटेक्टेड का ये है कि प्रोटेक्टेड ये समझ लें कि कॉलोनी है, कॉलोनी की बजाय आप समझ लें कि जी गली है, छोटी सी बंद गली है, चार पांच घर है उसमें। अब उस गली में कोई बंदा नहीं आ सकता, पांच घर ही है उसमें। अब वहां पे आपने कूलर लगा दिया, वो पांच के पांच घर जो है ना उसको यूज कर सकते हैं। ये प्रोटेक्टेड की एग्जांपल है। बात यहां तक समझ आई है जी? किसी को अगर नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकता है, नहीं तो फिर हम कोड की तरफ चलते हैं। अच्छा, सिक्लैन ने शायद क्वेश्चन किया, आप क्या कह रहे थे? प्रोटेक्टेड का मैंने ये बताया कि प्रोटेक्टेड रिजर्व वर्ड यूज होता है, जो आपके पास डेटा है ना उनको सिर्फ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में ही आप यूज कर सकते हैं, मतलब पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के अंदर ही बस यूज हो सकता है। प्राइवेट जो डेटा है ना वो तो सिर्फ क्लास में यूज होगा, चाहे वो पेरेंट है चाहे वो चाइल्ड है, वो जो एक क्लास है ना सिर्फ उसी में यूज होगा। पर प्रोटेक्टेड कहाँ पे यूज होगा? प्रोटेक्टेड देखो, अगर आपके पास चार या पांच क्लासेज ऐसी हैं जो एक रिलेशन में है, मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशन में है, बेस क्लास है या ड्राइव क्लास है, तो प्रोटेक्टेड का डाटा सिर्फ उन जो चार पांच क्लासेज है ना जिनका रिलेशन है, सिर्फ उनमें यूज हो सकता है, अदरवाइज वो बाहर कहीं पे भी यूज नहीं हो सकता। इज इट क्लियर जी? यस सर। ओके, चले जी, इसको जरा थोड़ा सा एग्जाम्पल को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। मैं यहाँ पे एक बड़ी छोटी सी सिंपल सी इनहेरिटेंस करवाने लगा हूं। मैंने यहाँ क्लास बनाई, क्लास का नाम मैंने लिखा एनिमल। ठीक हो गया जी? अच्छा, मुझे कोई ये बताए, दुनिया के जितने भी जानदार है, कोई ऐसा काम जो हर जानदार करता है, तो मुझे बताएगा? सांस लेता है। वेरी गुड, वेरी गुड। पब्लिक मैंने यहाँ पे एक मतलब बनाया, चलो प्राइवेट को भी साथ कर देते हैं ताकि उसको भी हम थोड़ा सा मतलब, एक हमने प्राइवेट डाटा मतलब पार्ट बना लिया, एक हमने पब्लिक बनाया। यहाँ पे मैंने बता दिया जी, एक फंक्शन बनाया जिसको मैंने बोल दिया ब्रीदिंग, या ब्रेथ बोल देते हैं उसको, सांस। ठीक है, यहाँ मैं सिंपली सी आउट करवा देता हूँ, सी आउट ब्रीदिंग, और यहाँ पे एंड लाइन। ठीक हो गया जी? अब जरा देखिएगा, हमने एक बड़ी जनरल क्लास बनाई है। अब जनरल और स्पेशल का मतलब क्या होता है? जनरलाइजेशन एक कंसेप्ट है, एक स्पेशलाइजेशन कंसेप्ट है। जनरलाइजेशन होता है कि आप चीजों को मतलब छोटे लेवल से बड़े लेवल पे ले जाओ, मतलब उसकी जो छतरी है ना उसको जरा अवॉइड कर दो, उस छतरी के नीचे ज्यादा चीजें आ जाए। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूं कि जी आप बात कर रहे हैं मर्दों की, तो मर्दों में सिर्फ मर्द हजरात जो है ना सिर्फ वो उनकी एक क्लास बन जाएगी, उनमें औरतें नहीं होंगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दूं कि इंसान की, तो इंसान में मर्द औरत और सारे जितने भी जनास है ना वो सारी उसमें आ जाएंगे। तो मतलब ये मैंने एक कंसेप्ट को स्पेशलाइजेशन से जनरलाइजेशन की तरफ ले गया। अब मैंने यहाँ पे एक जानवर की क्लास बनाई है। अगर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि बायोलॉजिकली इंसान भी एक जानवर है, मतलब इंसान भी सांस लेता है, तो ऑब्वियसली वो भी बायोलॉजिकली, मतलब साइंस बायोलॉजी ये कहती है कि इंसान भी जो है ना वो क्लासिफिकेशन उसकी जानवरों में जी सोशल एनिमल है। तो अब मैं स्पेशलाइजेशन की तरफ जाने लगा हूँ। अब मैं कोई ऐसे एनिमल को बनाने लगा हूँ, मतलब क्लास बनाने लगा हूँ जो सांस तो लेता है पर उसका अपना भी कोई फंक्शन हो, ऐसा फंक्शन जो सिर्फ उसी के ही अकॉर्डिंग हो। तो मैं यहाँ पे क्लास बना देता हूँ जिसका नाम है डॉग। क्या डॉग सांस लेता है? जी सर, लेता है। तो क्या मैं हक में जानिब हूं कि ये वाली क्लास या ये वाली जो प्रॉपर्टीज है इसके अंदर इनहेरिट करवा दूं, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे आके ब्रीदिंग का फिर फंक्शन लिखूं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ
मैंने वो जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना एनिमल की, जितनी भी है, अभी तो मैंने एक लिखी है ना, मुमकिन है यहाँ पे 5-6 हो जाए, मतलब वो सांस लेते हैं, वो खाते हैं, वो सोते हैं, ये 4-5 एट्रीब्यूट आपको हर जानदार में कॉमन मिलेंगे, कोई जानदार आपको इनसे बाहर नहीं मिलेगा, कोई जानदार ऐसा नहीं होगा जिसको आप ये कहें जानवर ये जो खाता नहीं है या सोता नहीं है, मतलब ये जरूरी चीज है, सांस लेना, खाना पीना, यहाँ आप ईट का कर दें, यहाँ आप वो कोई और जो मतलब वो वॉकिंग का करना चाह रहे हैं वॉकिंग का कर दें, चले वॉकिंग पे तो बाद में बहस होगी कि वॉकिंग जरा डिफरेंट टाइप की है, चले मैंने यहाँ पे इसकी सारी खूबीज जो है ना सॉरी प्रॉपर्टीज जो है ना वो यहाँ पे इनहेरिट करवा दी, खूबियां सारी इसकी इनहेरिट करवा दी, मतलब डॉग जो है वो क्या है, वो एक एनिमल है, एनिमल की डेफिनेशन क्या की है मैंने, एनिमल वो है जो सांस लेता है, तो यहां तक तो हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब जरा देखिएगा, अगर मैंने डॉग की क्लास में कुछ लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूं, मैं यहाँ पे मेन का फंक्शन बनाने लगा हूं, मेन का फंक्शन जैसे ही मैं बनाता हूं, यहाँ पे मैंने डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने रख लिया जैक, यानी जैक नाम का एक डॉग है, तो जैसे ही जैक डॉट करता हूं तो देखिए मेरे पास वो ब्रेथ वाला फंक्शन जो है ना वो शो हो रहा है। भाई क्यों शो हो रहा है, यहाँ पे तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, वो शो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ये ऑपरेटर यूज करके एनिमल की क्लास को यहाँ पे इनहेरिट करवा लिया, इसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करवा ली। अगर आप लोगों को पहली स्लाइड याद हो तो पहली स्लाइड में हमने क्या देखा था कि एक बाप है, उसका एक ब्लॉक है, ठीक है, अब बेटा है, उसका अपना एक ब्लॉक है, तो अब यहाँ पे आके आप एक ऐसी प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं कोई भी, मतलब बड़ी चीजें ऐसी होंगी जो डॉग को दूसरों से मुख्तलिफ करती है, मिसाल के तौर पर बार्किंग, भौंकना, ये सिर्फ कुत्ते का काम, कोई और किसी जानवर से हम ये वर्ड एसोसिएट नहीं करते, तो इस वजह से मैं यहाँ पे ये करता हूँ वाइल्ड बार्क, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जी सी आउट डॉग इज बार्किंग, समझ आई जी बात की, किसी को ना समझ आई हो तो पूछ सकता है जी। अब देखें जी, अब यहां पे मैंने क्या किया, मैंने जैक को डॉट के साथ किया, तो अब देखें एक प्रॉपर्टी उसको अपने पेरेंट्स से मिली है और एक प्रॉपर्टी उसकी अपनी है, तो यहाँ पे इसको मैंने सॉरी ब्रेथ फिर कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने करना है बार्क, तो बार्क किया, अब देखते हैं जी इसको जरा चला के तो हमारे पास क्या आउटपुट आती है। अच्छा जी वो कह रहा है सी आउट डिक्लेयर नहीं है, उसकी लाइब्रेरी जरा इंपोर्ट करवा देते हैं यहाँ पे, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, और उसके बाद यहाँ पे करवा देते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, अब जरा चलाते हैं जी इसको, अच्छा जी क्या कह रहा है वो, वाइल्ड एनिमल ब्रेथ इज इनएक्सेसिबल, व्हाई, ये पब्लिक फंक्शन है हमारा वाइल्ड ब्रेथ, और इसको अगर हम चलाएं तो ये इनएक्सेसिबल क्यों है, Why it is inaccessible? यहाँ पे हमने ये क्लास यहाँ पे एंड की, इसमें अगर स्पेसिंग खत्म करें तो स्पेसिंग का नहीं मसला, भाई पब्लिक में करवाया मैंने शो, ब्रेथ वन कर देते हैं इसको, शायद इस तरह कुछ चेंजिंग आ जाती है, बाजू का ये कंपाइलर का भी मसला है यार, मैं ना नेक्स्ट क्लासेस में कोशिश करूंगा कंपाइलर हमारा कोई यूज हो, हाँ सॉरी ये इसलिए एक्सेसिबल नहीं है, जरा देखिएगा ये एक मतलब लादा मतलब है वो कंसेप्ट है, इसको हम मैं अभी नहीं इसको बताऊंगा क्योंकि अभी मेरा फोकस जो है ना सारा वो इसी पे ही है,
ये इसलिए एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि मैंने इस क्लास को पब्लिक मेंशन नहीं किया। तो यहाँ मैंने इसको पब्लिक जैसे ही मेंशन किया, मतलब आप देखें क्लास डॉग, उसके बाद कॉलन के बाद आपने पब्लिक का कीवर्ड और जो क्लास का नाम है वो लिखा। अब जरा देखिएगा जी, क्योंकि C++ by default अगर आपने पब्लिक नहीं लिखा तो वो प्राइवेट कंसीडर कर दिया। पहले वो क्या कह रहा है कि जी ब्रेथिंग, मतलब वो सांस ले रहा है। दूसरी बात वो क्या कह रहा है कि डॉग इज बार्किंग, मतलब कुत्ता जो है वो बार्क कर रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पे यही दो फंक्शन थे, जैक और ये ब्रेथ। अब देखें मैं यहाँ पे एक और पब्लिक एरिया बना रहा हूँ, पब्लिक एरिया नहीं सॉरी प्रोटेक्टेड एरिया बना रहा हूँ। ये प्रोटेक्टेड एरिया है, इस प्रोटेक्टेड एरिया में मैंने कोई भी यहाँ पे फंक्शन लिख दिया वाइल्ड, और यहाँ कोई भी लिख देता हूँ फंक्शन। इसमें मैंने किया जी सी आउट, और यहाँ मैं करवा देता हूँ जी टेस्टिंग। जैसे ही मैंने इसको टेस्टिंग करवाया एंड लाइन, अब जरा देखिएगा कंट्रोल सेव। अब जैसे ही मैं जाता हूँ यहाँ पे जैक डॉट, और वहां पे मुझे वो प्रोटेक्टेड जो है ना वो शो नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एरर देगा कि जो डेटा मेंबर आप एक्सेस करना चाह रहे हैं ये प्रोटेक्टेड है। ये देखें ये लिखा हुआ है वाइल्ड एनिमल कोई भी इज प्रोटेक्टेड है, तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी सिर्फ रिलेशन वाली क्लास में यूज हो सकता है, उससे बाहर यूज नहीं हो सकता। अच्छा जी, इस बात को भी ट्राई करके देख लेते हैं क्या ऐसी कोई बात है। यहाँ ये क्लास ऐसी है जिसमें मतलब इसका रिलेशन है, मतलब ये चाइल्ड क्लास है वो, और एनिमल पेरेंट क्लास है, मतलब ये हमारी सुपर क्लास है या बेस क्लास है, और ये हमारे पास ये ड्राइव क्लास है। तो इस ड्राइव क्लास में जाके अगर मैं ये सी आउट यानी कोड बार्किंग के बाद या इससे पहले ही यहाँ पे मैं ये कोई भी फंक्शन यूज कर देता हूँ कोई भी, अब जरा देखते हैं हमारा ये फंक्शन चलता है या नहीं चलता। देखें जी ब्रेथिंग, उसके बाद टेस्टिंग, उसके बाद डॉग इज बार्किंग। समझ आई जी बात की? किसको समझ नहीं आई जी मेरी बात की? जी आ गई समझ, पक्की बात है सर। ये जो प्रोटेक्टेड वाला आपने समझाया है, एक दफा दोबारा इसे समझा दें। प्रोटेक्टेड का मैंने ये कहा कि जो भी आपके पास ये प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर होंगे या प्रोटेक्टेड एरिया में जो भी लिखा होगा वो सिर्फ उसके साथ जो रिलेशन में है ना क्लास, उसके अंदर सिर्फ वो यूज हो सकते हैं, उसके बाहर यूज नहीं हो सकते। मतलब देखो, एक आपने सिक्योरिटी लगाई कि क्लास के बाहर जो है ना वो डाटा यूज नहीं हो सकता, आपने हाइड कर दिया डाटा को, मतलब जो आपका प्राइवेट डाटा है वो सिर्फ यहां तक रहेगा, ठीक है। एक आपने ये सिक्योरिटी तो नहीं है पर आपने एक फीचर दिया पब्लिक, मतलब इसको कहीं पे भी यूज कर दो, आई वॉन्ट माइंड। लेकिन जब प्रोटेक्टेड की बात आती है ना, तो प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है कि ये डाटा इस क्लास में एनिमल वाली क्लास में यूज हो सकता है या ये डॉग वाली क्लास में यूज हो सकता है बस। अब अगर मैं एक और क्लास बना लेता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ क्लास मैंने बनाई, इसको मैंने कैट बोल दिया, कैट के बाद इसके अंदर मैंने इनहेरिट करवा ली वो सारी प्रॉपर्टीज जो मतलब एनिमल में है। एनिमल में क्या क्या प्रॉपर्टी है वो जी सिर्फ सांस ले सकते हैं। तो एनिमल यहाँ पे मैंने लिखा, अब देखो मेरे पास तीन क्लासेस बन गई हैं। अब ये जो प्रोटेक्टेड वाला है ना, ये सिर्फ इन तीन क्लासेस में यूज हो सकता है, इन तीन क्लासेस के अलावा नहीं यूज हो सकता। जिस का रिलेशन होगा उस क्लास के साथ सिर्फ वही यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर जी? नहीं क्लियर हुआ सर? ये जो कैट वाला है ये फिर इसमें यूज नहीं होगा? इसमें होगा ना, ये इसको हमने इनहेरिट करवा लिया इसके साथ। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे इनहेरिट नहीं करवाता फिर नहीं होना था, okay, अब नहीं हो सकता। अगर मैंने मतलब ये इनहेरिट नहीं ना है, अब नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही मैंने इसको इनहेरिट करवा लिया, अब इसमें हो सकता है। आपके पास 100 क्लासेस आपने इसके साथ इनहेरिट करवा ली है ना, मतलब 100 जानवर आपने लिख लिए जो सांस लेते हैं, उसमें प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर 100 क्लासेस में यूज हो सकता है, 110 में हो सकता है, 1000 में हो सकता है।
दस में हो सकता है. समझ आ गई बात की? जी सर आ गई. हाँ जी, मतलब आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि ये सिर्फ इन पर्टिकुलर क्लासेस में हो जिनका इनके साथ आपस में रिलेशन है. रिलेशन के बगैर किसी में भी ये एक्सेस नहीं होगा डेटा. कोई क्वेश्चन है जो किसी का कर सकते हैं? बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जुबान में क्या, और लड़कों की नजर एक शेर है, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या. यार बड़े बदजोग लोग हो यार आप. कोई भी ना दुख दे रहे हो साजी. वाह 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 वाह. और यार कोई बोलना तो करो, मुझे कुछ पता तो चले कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ. मुझे ये होता है कि मतलब मैं स्क्रीन में अपने आप को देख के अपने आप को पढ़ाई जा रहा हूँ. सर दादी तो है बाप. बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया. मांग के लिए मैंने. अगली बार वैसे दे देंगे. जी मैं करूंगा जब अगली बार ऐसे मतलब दा देंगे तो. यार ये क्लास खामोश है या क्या चक्कर है? मुझे मैं अभी तक फिगर आउट नहीं कर पा रहा. क्लास ही खामोश है सर. क्या करना चाहिए शमीर साहब? कोई सजेशन दें, कोई ट्विस्ट आए जरा इनकी लाइफ में, कोई ट्विस्ट आए. सर ये खुद ही कुछ ला सकते हैं और तो कुछ.